नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह जानी और मेरे साथ है पल पल के चीफ एडिटर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आज हमारे जो डिस्कशन का मोटिव है वो ये है कि जो बाबा राम रहीम है उन्होंने पैरोल मांगी थी और पैरोल की अब अर्जी वापस ले ली है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से कारण बने जिनके लिए उनको अर्जी वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाटिया जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो पहले ग्राउंड किया गया कृषि कार्य के लिए पैरोल मांगी गई, उसके बाद पैरोल वापस ले ली गई, तो ऐसे कौन कौन से दबाव आप मानते हैं कि किस वजह से उन्होंने वापस ली? ऐसा है, बाबा को किसी भी आधार पर पैरोल मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत हैरानी है इतने बड़े आदमी के, इतने बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं वो एक बहुत कमज़ोर आधार उन्होंने बनाया पैरोल का, भी कृषि योग्य जो भूमि है उसका देखभाल करना है। मुझे बाबा का ये आधार बड़ा कमज़ोर था। और सबसे बड़ी जो बात है, मेरा तो यहाँ तक मानना है अमर सिंह जी, जब बाबा को और बाबा के पैरोकारों को, उनके कानूनी जो जानकारों को ये पता लगा भी पैरोल नहीं मिलेगी, और तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। ये क्यों वापस ली, सरकार का उन पे प्रभाव था, सरकार का दबाव था या नहीं था, ये तो अभी सामने बात नहीं आई, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो होती है उसके कई मतलब मंजिलें होती हैं, कुछ सरकार ऊपर दिखती है कुछ नीचे होती हैं, तो हो सकता है सरकार ने भी दबाव डाला हो ताकि सरकार की जो है जग असाई ना हो। अगर सरकार पैरोल नहीं देती तो भी बुरी बात थी, क्योंकि उसके दो मंत्री कृष्ण पवार और अनिल विज जो पावरफुल मंत्री हैं वो कह चुके थे पैरोल लेना हरेक का अधिकार है। देखिए, आपने एक बात कही कि उनका जो आधार था वो कमजोर था, मुझे नहीं लगता कि कमजोर आधार की वजह से पैरोल जो है रद्द, जो उन्होंने वापस ली अर्जी, क्योंकि जिस तरह से जो एक माहौल बन गया था, चाहे जो रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति हैं उनकी तरफ से बार बार हाईकोर्ट जाने की बात कही गई थी, उसका फिर से कि कुछ गांव के लोग हैं चाहे पंचायत कन्या चाहे वकील, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया था। और दूसरा मुझे लगता है भाटिया जी कि सबसे बड़ा सरकार की तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट देना, सकारात्मक रिपोर्ट देना बहुत मुश्किल काम था, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाबा और उसके जो पैरोकार है चाहे वकील, उनको लगा कि अगर रिपोर्ट वहां से उनके खिलाफ आती है, क्योंकि ये तो आप मान के चलते हो कि जो 25 अगस्त 2017 में हुआ था वैसा अगर बाबा वापिस आता है तो ये निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। तो इस पे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे लगता है कि ये आधार नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, जैसा कि मैंने अमर सिंह जी पहले ही कह दिया, कम शब्दों में सरकार के कई मंजिलें होती हैं और सरकार ऊपर दिखावे में कुछ और होती है और अंदर से कुछ और होती है। सरकार के दो मंत्रियों ने ऐसा लगा जैसे लोगों ने, विपक्ष ने भी उस पर शोर मचाना चालू कर दिया भाई सरकार तो इसको पैरोल देने जा रही है, उधर से सरकार ने ही प्रेशर डाला होगा भाई आपके हक में रिपोर्ट नहीं आएगी, और रिपोर्ट आनी भी नहीं थी। मैं तो इससे बहुत आगे की बात पहले रिकॉर्डिंग में भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, बाबा को पैरोल अगले कई सालों तक मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जेल में अंदर जाने जाते समय 40 लोगों की जो है एक किस्म से मौत हुई है, वो हत्याएं ही हुई हैं, चाहे पुलिस ने गोली चलाई हो चाहे आगजनी हुई हो, कोई भी सरकार संपत्ति नष्ट हुई है, कोई भी सरकार इस समय पे नहीं कभी भी बाबा को, जब तक बाबा गद्दी पे है, क्योंकि उसके साथ गद्दी के साथ लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे में बाबा को पैरोल देकर कोई भी सरकार ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती भी वो पैरोल से वापस ना जाएं और फिर कानून व्यवस्था खराब हो और फिर ऐसी स्थिति आए भी पुलिस को और प्रशासन को गोली चलानी पड़े। इसलिए बाबा को समझाया गया होगा, उनके कानूनविदों ने समझाया होगा, सरकार के जो लोग होते हैं अधिकारी उन्होंने समझाया होगा भी आप खुद अगर अपनी अर्जी वापस ले लेते हो तो आपके श्रद्धालुओं में ये जाएगा भी बाबा जी ने खुद ही अपनी अर्जी वापस लेके वो तो जानी जान है, और उन्होंने अपनी जो है अर्जी वापस ले ली। ये तो आपने एक आधार बताया। दूसरा, मैं कानून की बात करूँ तो अगर कानून के मुताबिक अगर बाबा अर्जी वापस नहीं लेता और किसी भी तरह से, जैसे हमें उम्मीद है पूरी की शिक्षा प्रशासन की तरह से रिपोर्ट नेगेटिव जाती, तो ऐसे में उनकी जो पैरोल की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती, यानी उसको रिजेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आगे उनको जो पैरोल लेने के लिए एप्लीकेशन लगाने में दिक्कत आती थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो कोई भी कैदी है चाहे वो हत्या का है,
उम्र कैद का भुगत रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के जुर्म में कैद हैं, लेकिन एक कैदी को प्रोल अक्सर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ताकि वो अपने सामाजिक दायित्व को पूरा कर सके। लेकिन ये जो मामला है, बाबा का जो मामला है, ये शायद भारत में एक दो ही ऐसे मामले हैं, चाहे वो बाबा आसाराम बापू हो। अब देखो, बाबा आसाराम बापू लगभग 10 सालों से जेल में है, कभी उसको परोल की बात या कोई ऐसा हुआ है बाहर आने की संभावना हुई है? जिसके साथ जो भीड़ को भड़का के, जो भारत में जिस ढंग से श्रद्धालु हैं, अंध भगत हैं, उनको भड़का के कोई भी हिंसा पैदा कर सके, उस व्यक्ति को परोल देने के लिए 100 बार नहीं, 1,00,000 बार प्रशासन सोचेगा। और न्यायपालिका में भी अगर वो जाता है, उसका अधिकार होते हुए भी वो कैसे गारंटी देगा भी भविष्य में मैं वापस आ जाऊंगा और भविष्य में हिंसा नहीं होगी? एक तो, आखिरी सवाल इसके ऊपर, ये पीछे दिनों जब पैरोल की अर्जी जिस दिन से लगाई, उस दिन से पूरे मीडिया में चर्चा थी, और खास करके जो मंत्रियों के बयान आए थे, तो क्या आप समझते हो कि सरकार के जो की तरफ से जो बयान आए थे, वो आगे उन्होंने विधानसभा को देखते हुए बयान दिए थे, ताकि जो जो उनके जो बाबा के फॉलोअर है, वो ये सोचते रहे कि सरकार ये चाहेगी, वो उनकी मदद करना चाहती है? वो सरकार ने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया है, लेकिन देखो, आम जो लोग होंगे, आम जो भगत होंगे, वो तो यही सोचेंगे, क्योंकि अंध भक्ति होती है, उसमें सोच कहीं भी दूर तक नहीं होती। कृष्ण पवार जो जेल मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया भी परोल हरेक का अधिकार है, फिर जेल के प्रशासन ने ये शब्द लिख दिए भाई उनका जो आचरण है अच्छा, बहुत अच्छा है। फिर अनिल विज जो ये माना जाता है टेक्निकली, चाहे वो 2 नंबर के ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता है, और उन्होंने कह दिया भी बाबा का परोल का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो ये संदेश दे दिया भी हम बाबा के साथ हैं, और दूसरी तरफ बाबा पे प्रेशर डाल के उनकी एप्लीकेशन वापस दिलवा दी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिन हैं, वो लोगों के अच्छे दिन आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी ये शो कर रही है कि उसके अच्छे दिन हैं, और वो किसी न किसी मैनेज करने में, चाहे बाबा की अर्जी वापस दिलवाने में, और बाबा के भक्तों को एक बड़ा शुभ सा संकेत, बाबा के भक्त तो उछलने लगे थे भी बाबा को जैसे कल या परसों परोल मिल जाए। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये आज की डिस्कशन थी कि बाबा को जो परोल को जो वापस अर्जी ली गई है, उसके क्या कारण थे सब। अगली चर्चा के बारे में एक बार फिर किसी विषय को लेकर आएंगे, तब तक नमस्कार। नमस्कार।